साल 1968 में कुछ चाइनीज वर्कर्स मवांग डुई नाम के एक पहाड़ी के पास खुदाई कर रहे थे, लेकिन खुदाई करते समय उन्हें कुछ ऐसी चीज मिल गई जो कि 20वीं सदी की सबसे बड़ी एंशियंट खोज में से एक बन गई। ये खोज थी एक कब्र की और उस कब्र के साथ मौजूद कुछ वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स यानी कुछ मूल्यवान कलाकृतियों की जो 2000 साल पुराने थे। और ये कब्र थी शिन जुई की, जिसे लेडी डे के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एशियंट चाइना के हैन डायनेस्टी की एक मार्क्विस थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस शिन जुई की कब्र में ऐसा क्या खास है, क्या ये 2000 साल पुरानी है इसलिए? जी नहीं, 2000 साल पुरानी चीज मिलना भले ही हैरानी की बात है, लेकिन इस शिन जुई ने सबको हैरान इसलिए कर दिया क्योंकि इसकी बॉडी इतने सही तरीके से प्रिजर्व थी कि इसके सभी ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स बहुत अच्छी कंडीशन में थे। और शिन जुई के नसों में कुछ अमाउंट में ब्लड भी मिला जो कि ए ब्लड ग्रुप था, एंड उसके नसों में 2000 साल बाद भी खून मौजूद था। चलो ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक तो उसके बाल और जो पलके होती है ना वो भी मौजूद थे। और साइंटिस्ट को उसके पेट में मेलन के यानी खरबूज के सीड्स मिले और इससे ये अंदाजा लगाया कि शिन जुई की मौत समर में हुई होंगी, क्योंकि मेलन का जो सीजन होता है वह समर में ही आता है। साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि मेलन खाने के कुछ घंटों बाद ही शिन जुई की मौत हो गई होंगी। अब आप ही बताओ, क्या सच में हैरान कर देने वाली बात नहीं है कि 2000 साल बाद भी शिन जुई के ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, नसों में खून और बालों का इतनी अच्छी कंडीशन में मौजूद होना क्या सच में कोई सवाल खड़ा नहीं करता? क्योंकि जिस बात ने सभी को सबसे ज़्यादा हैरान किया वो था एक मिस्टीरियस लिक्विड जिसमें शिन जुई का शरीर भीगा हुआ था। ये लिक्विड हल्का एसिडिक था और इसमें कुछ अमाउंट में मैग्नीशियम भी मौजूद था, और शायद यही मिस्टीरियस लिक्विड उसके बॉडी को इतने सालों से वेल कंडीशन में प्रिजर्व रखते आए हुए हैं। और आज तक साइंटिस्ट भी ये नहीं जानते कि ये किस प्रकार का लिक्विड था, यानी 1968 से लेकर तो आज तक साइंटिस्ट भी इस मिस्टीरियस लिक्विड को ब्रेक नहीं कर पाए। आज भी शिन जुई की बॉडी और उसके साथ मिले कुछ आर्टिफैक्ट्स को चाइना के हुनान म्यूजियम में रखा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या था उस लिक्विड में जिसकी वजह से शिन जुई का शरीर 2000 सालों बाद भी इतने अच्छी कंडीशन में वेल प्रिजर्व था, ये तो आज तक कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी मिस्टीरियस से भरी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।